आप सुन रहे हैं कहानी छोटी सी हरकत। बस का ब्रेक लगा और झटके के साथ में बचपन की ख्याली नाव से वापस बस में लौट आया। मेरा शहर आ चुका था, वही शहर जिसकी गोद में मैंने बचपन बिताया था। अचानक ऐसे लगा जैसे मेरा दिल फिर से बच्चा हो गया है। बस स्टैंड से मैंने रिक्शा किया, रिक्शा सरकारी क्वार्टर की ओर चल पड़ा। मैं रिक्शे में बैठा हुआ जैसे जैसे चारों ओर अपनी नजरें घुमाता था, मेरा दिमाग पीछे, बहुत पीछे अतीत की ओर भागा जाता था। गंभीरता का चूल्हा उड़ा मेरा दिमाग बचपन की मासूमियत में तब्दील होने लगा था। कितना हल्का महसूस कर रहा था मैं, लेकिन उस हल्केपन में भी कहीं जैसे कुछ अटक सा रहा था। हाँ, शायद उस मासूमियत के बदलाव के साथ साथ वो शर्मा सर का मौन भी स्पष्ट होता जा रहा था। बचपन की यादें भी कुछ अजीब होती हैं। भरपूर मस्ती के साथ उस समय की इतनी बड़ी लगने वाली चिंताएं जिन्हें अब सोचो तो हंसी आ जाती है। किसी से भी इतना नाराज हो जाना कि जिंदगी भर बात ना करने की कसम खा लेना और अगले ही दिन फिर से उन कसमों को बुलाकर उन्हीं से कभी ना टूटने वाली दोस्ती का वादा कर लेना। कुछ देर बाद मैं उन्हीं सरकारी क्वार्टर के सामने खड़ा था, जिन क्वार्टर के सामने से निकलने में कभी डर के कारण अजीब सी बेचैनी होती थी। आज मैं उन्हीं क्वार्टर में से एक में रहने आया हूं। रिक्शे वाले ने मेरा सामान उतारा तो मैंने उसे धन्यवाद के साथ उसका किराया भी दे दिया। उसके जाते ही मैंने अपने उस सरकारी क्वार्टर की ओर एक बार फिर देखा। साहब नमस्ते, पीछे से आवाज आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो कम हाइट का एक आदमी पैंट शर्ट पहने तेजी से मेरी ओर आ रहा था। शर्ट ओपन थी और पैरों में चप्पलें थी। माफ करना साहब, मुझे देर तो नहीं हुई, उसने मेरे पास आते ही कहा। नहीं नहीं, मैं अभी अभी आता ही जा रहा हूं। वैसे आप, मैंने उससे बड़ी सज्जनता से पूछा। मुझे जवाब देने से पहले ही उसने पैंट की जेब से चाबी निकाली और दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए आगे बढ़ गया। मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा था कि आज आप आएंगे, उन्होंने कल यहाँ शहर से जाते समय ही इस क्वार्टर को खाली किया है, उसने ताला खोलते हुए कहा। ताला खोलकर उसने मेरा सामान झट से उठाया और क्वार्टर के पहले कमरे में रख दिया। प्रिंसिपल साहब चले गए क्या, मैंने आश्चर्य से उससे पूछा। पास के शहर में ही उनका ट्रांसफर हुआ है ना, इसलिए वे कल यहां से चले गए हैं। कह गए थे कि आपको चार्ज देने के लिए कल सुबह आएंगे। अच्छा, फिर ठीक है, कल उनसे मिल भी लूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, मैंने इतनी बातें करने के बाद उससे नाम पूछा। शायद मैं लेट था। सूरज नाम है हमारा, आपके स्कूल में चपरासी हूं, उसने बड़ी नम्रता के साथ कहा। सूरज, लगता है तुम नए हुए स्कूल में, मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं साहब, मुझे 6 साल हो गए हैं, उसने चाबी मुझे देते हुए कहा। शायद वह समझा नहीं था कि मैं क्या कहना चाहता था। वास्तव में मैं नए और पुराने की तुलना अपने इस स्कूल में पढ़ने और छोड़कर जाने से कर रहा था। अब मैंने उसे कुछ और बताने की कोशिश नहीं की। साहब, रात का खाना मैस से लेता आऊंगा, अब मैं चलता हूं, कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा नंबर तो देते जाओ,
मैं अपना वाक्य पूरा ही कर रहा था कि उसने अपनी उंगली दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर करके कहा, साहब वो है मेरा नंबर। पुराने वाले साहब सामने ही लिख कर रखते थे, वह मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट के जवाब में मैंने भी मुस्कुरा दिया। उसके जाने के बाद मैंने दो कमरों, किचन और लैट बाथ के मकान का घूमकर मुआयना किया और फिर बाहर वाले कमरे में रखी लकड़ी की कुर्सी पर लंबी ठंडी सांस लेते हुए बैठ गया। रात को सूरज के द्वारा मैस से लाया गया खाना खाकर मैं सो गया। अगले दिन जल्दी तैयार होकर मैं स्कूल सुबह ठीक 8 बजे पहुंच गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी छोटी सी हरकत।